तो मैं तो जलने जा रहा हूं, और तुम उसी खुशी में घाट पर जाओ और कोई भी आए आज की लूट माफ, आज की लूट माफ है। हाँ जाओ घाट पर चले जाओ।
कैसे चला है? अच्छा ये पूछ रहे हो भाई छोड़ के कैसे है? हाँ क्यों चले है? चार मनुष्य है। चार मनुष्य? मनुष्य बोले हैं, धनुष बोले हैं। मनुष्य मनुष्य ही है। कौन कौन है? अभी बता रहा हूँ। ये आगे पहले हैं आम जी। अरे वो आम जी नहीं, राम जी तो कौन था? हाँ 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 ऐसे दिखे हैं, श्री राम जी। और ये आ गए बिना कान की जी। अरे बिना कान की नहीं, जान की जी तो नहीं देख रही। हाँ 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 वही दिखे हैं। और ये आ गए प्रच्छन जी। अरे वो लक्ष्मण जी के दर्शन तो नहीं हो गए तेरे लिए? हाँ हाँ वही दिखे। और ये आ गए महाराज सुमंत जी। अरे सुमंत जी नहीं होंगे, सुमंत जी होंगे साथ। सुमंत जी दिखे हैं। एक बात बता, उनका तो आज आपसे होने वाला था, लेकिन हमारे घाट पर रहते बता कि वो वस्त्र कैसे पहने हैं? वस्त्र पीले पीले वस्त्र हैं। क्या पीले वस्त्र जी मंत्री? पीले वस्त्र वनवासी को होते हैं ऐसे लग रहे हैं। तो तूने खूब नजर देखा है? खूब देखे मैंने अपनी नजर से। मेरे सामने तो यही वो ये सुन गई निशान जब पाई मुझके लिए प्रभु बंधु बुला। जाओ उन अवसर के साथ बोला करना हो लिए फल फूल भेद भरी भागा। जाओ निरन चलो ही हर से अपारा भेद तैयार करिए। फल फूलों की भेद किस किस प्रकार की भेद तैयार करूं? हाँ कम जा रही है तो मैं श्रीमान जी के लिए बता देता हूँ
नीचे वाला शहर ये खराब हो गया है, कल ये ठीक होकर के आ जाएगा। और इस समय भी मोटरसाइकिल लेकर ये लोग देखने गए थे, जो नगली के लिए रास्ता जाता है वहां पर अभी भी आवाज इस समय ठीक जा रही है। ये मशीनगिरी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, थोड़ी देर में फॉल्ट हो जाता है, कल को ठीक होकर के आ जाएगा, आवाज बहुत सुंदर मधुर हो जाएगी। प्रो बाइपास श्रीमान रामवीर सिंह जी चौहान साहब निवास स्थान इब्राहिमपुर, उन्हीं का ये सारा कार्य चल रहा है। इसमें जो प्रोपाइटर करते हैं वो भिंकी बाबू करते हैं, उनके बेटे रहते हैं, और वो खुशखबरी बता रहे हैं जो आने वाले समय में एक मेला लगता है गंगा जी पर, श्री गंगा जी के नाम से जाते हैं कि चलो भैया गंगा नहाने जा रहे हैं, कई कई दिन वहां पर लोग रहते हैं, उसमें वहां पर आपका साउंड लाइट और ये बड़े बड़े टावर लगते हैं लाइटों के लिए, तो सारा प्रोग्राम सारा इनका ठेका हो गया। इन्होंने बोल कबूल की थी कि अगर मेरा वहां पर ठेका हो जाएगा तो मैं कुछ धन शक्ति में जाकर भगवान जी के चरणों में अर्पण करूंगा। तो आपका गंगा जी का मेला का ठेका हो गया है, 101 रुपए भगवान जी के चरणों में आ गए हैं, ईश्वर आपका वहां पर कार्य सफल रहे, ऐसी हमारी श्रीमान जी से भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जय जय सीताराम। हे भगवान आप आशागढ़ की मंत्री आओ जा पंच मूर्खा लेकर आओ भगवान के लिए आए। लेकर आ गए और जाओ हमारे श्रीनगरपुर में सबसे कहना कि जिसे श्री भगवान के दर्शन करना है वो दर्शन कर सकता है, हमारे यहाँ पर पधारे हुए, जाओ कह दो सबसे। हाँ हमारे यहाँ भगवान आए भैया, जिस किसी को दर्शन करने हो वो कर सकते हो। निषादराज अब हम खुश रहो, खुश रहो, बड़े खुशी की बात है आज भगवान हमारे घर पर पधारे हैं। भैया निषादराज आप आराम करना चाहते हैं, ठीक है भगवान आप आराम कर सकते हैं। बताओ भगवान आज मेरे यहाँ पर पत्तों की कुशाओ पर आराम कर रहे हैं, इनके महल ऐसे भूपति भवन, भूपति भवन सुहाव सुहावा, सुरपति सदन सुपत रसपावा। महाराज जैसे जी के महल ऐसे सुहासिन सुंदर, जो इंद्र के भवन तक कोई चीज नहीं, जिनमें मणियों से जड़े हुए चौबारे, यदि मानो कृति के पति कामदेव ने उन महलों को अपने हाथों से बड़ा कर सजाया हो, ऐसे महलों में रहने वाले और आज मेरे आप पति को साथ पर आराम कर रहे हैं, हे प्रभु श्री लीला अपरंपार मणि नगर चार चौबारे जिन जब पति ने हाथ संभाले। हेलो ये हमारे माननीय व्यक्ति श्रीमान राकेश कुमार चौहान साहब निवास स्थान की बहन को, जैसे हम लाइट लग रही है उस समय पहले भाई साहब का भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, और जो भिक्की बाबू होते हैं ये राकेश कुमार जी जो है उनके चाचा लगते हैं, भिक्की बाबू के चाचा धीर सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। श्रीमान राकेश चौहान निवास स्थान इब्राहिमपुर, चाचा धीर सिंह राकेश सिंह जी
जो विक्की बाबू है जिनका प्रोग्राम चल रहा है 101 रुपए का काम में डाल देते हैं। श्री मान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन महिलाओं बाबो व्यक्ति के पति कार्यक्रम ने अपने हाथों से सजाया हो ऐसे महलों में आने वाले आज मेरे यहाँ पर पत्तों की कुशा में विश्राम कर रहे हैं। और जिनके माता पिता कुटुंबी सका पुलवासी और सेवा करने वाले दास और सेवा करने वाले दासिया और उनकी ये दशा कि मेरे यहाँ पर बिना बस्ते के ही उनकी झोपड़ी पर आराम कर रही है तेरी लीला जो बही जिन्हें प्राण के नाही मही सोबत तहां राम गुसार। और भाई रामचंद्र जी और सीता जी जो रात को शयन करते थे और कामदेव को हर करते थे शयन करते समय और आज मेरे यहाँ पर फूस की झोपड़ी पर विश्राम कर रहे हैं। फिर वो तीरी गत निराली है सिया लगतीर के कानन जोगू कर्म प्रधान सत्य कह लो। और क्या रामचंद्र जी सीता जी क्या ये बन के लोग थे? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान है कर्म प्रधान रामचंद्र जी सीता जी क्या ये वर्ग लोग थे? लोग कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बोले लखन मधुर मधुबानी ज्ञान प्रराग भक्ति रसदान। हे भैया साहब आप विलपना कर ना करो ज्ञान वैराग भक्ति ये मनुष्य को सहज में प्राप्त नहीं होते। और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कैसे होते काहू को ना दुख सुख कर दाता निज गत कर्म भोग कर दाता। हे भैया प्राणी कोई किसी के दुख सुख का साथी नहीं होता। जैसा प्राणी कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। योग वियोग भोग बलवंता हित अनहित मध्यम भरम फंदा। और फिर योग वियोग मोह ये हित अनहित ये सब धर्म के फंदे हैं। जन्म मरण जहां